आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप लोगों ने इन्हें कई मूवियों में भी देखा होगा। इन्हें कॉमेडी किंग भी कहा जाता है। और आप देखिए कि जब से इन्होंने राजनीति में एंट्री ली हुई है, जब से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ है, तब से ये काफी सुर्खियों में बने हुए। आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा में जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, जिस तरह से अपने सवाल उठाते हैं, जिस तरह से आप देखिए आम आदमी की जो भी आवाज होती है उसे रखते हैं, उस पर बात करते हैं, तो इन्हें सुनने का एक तरह से दिल भी करता है। और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर संजय सिंह को राज्यसभा में और लोकसभा में भगवंत मान को अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो इन लोगों की आप देखिए कि तारीफ करना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और आप देखिए पंजाब का आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा भी भगवंत मान को माना जाता है। और आपने देखा होगा कि 2015 में जब इन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लिया हुआ था, उस समय भी ये काफी सुर्खियों में आ चुके थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि भगवंत मान के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और जिन लोगों की दिलचस्पी होगी भगवंत मान सिंह को जानने की, भगवंत मान को जानने की, तो उनकी दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी, यानी कि उन्हें भगवंत मान के बारे में इतनी काफी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि एक तरह से आप देखिए कि वो सब कुछ जानने लगेंगे। और मेरा मानना है कि जब कोई भी देश में इस तरह का नेता उभरता है तो उसके बारे में लोगों को मालूम जरूर होना चाहिए। आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं भगवंत मान को। और इनके नाम की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इनका नाम भगवंत मान है और इनका जन्म होता है 17 अक्टूबर 1973 में। कब? 17 अक्टूबर 1973 में भगवंत मान का जन्म होता है। सतोज गांव संगरूर जिला पंजाब में इनका जन्म होता है। एक बार आप लोग मैप में पंजाब को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे तो पंजाब आपको देखने को मिलेगा। और पंजाब की राजधानी की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चंडीगढ़ है। और इसे राज्य बनाने की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब को राज्य बनाया गया था। यहाँ अगर आप लोग देखें तो आपको 117 विधानसभा में सीटें देखने को मिल जाएगी। लोकसभा सीटों की बात करें तो 13 सीटें देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में बात करें तो 7 सीटें देखने को मिल जाएंगी। कितनी? 7 सीटें। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि एक जो 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब की, उन्हीं एक सीट पर से भगवंत मान लोकसभा सदस्य हैं। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, यानी कि आपकी उम्र अगर 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। और एक बात बताता हूं, अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। कितनी? 25 साल होनी चाहिए। अगर पंजाब से लगे हुए राज्यों की बात करें तो राजस्थान लगता है, हरियाणा भी लगता है, हिमाचल प्रदेश भी लगता है, और आप देखेंगे जब जम्मू और कश्मीर भी की सीमा भी आपकी पंजाब से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। और इनके अगर हम लोग पिता की बात करें, भगवंत मान के पिता की बात करें, तो श्री मोहिंदर सिंह, मोहिंदर सिंह इनके पिता का नाम। और माता की बात करें अगर हम लोग, तो श्रीमती हरपाल सिंह इनकी माता का नाम। और जीवन साथी की बात करें तो श्रीमती इंद्रप्रीत कौर इनकी पत्नी का नाम। और आप देखते हैं कि 2015 में तलाक हो गया था, तो राजनीति को लेकर जो भी मतभेद हुए इनके, उस कारण से तलाक हो गया था। अगर इनकी आप लोग पत्नी की बात करें, देखें अगर आप लोग फोटो देखें तो आप लोग देख रहे होंगे ए भगवंत मान है, ए इनके बेटा है और इनकी पत्नी, और आप देखिए बेटी आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। और इनका एक बेटा है और एक बेटी भी है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो आपको बताऊं कि शहीद ऊधम सिंह सरकारी कॉलेज से इन्होंने बीकॉम की हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे भी हैं। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजनेता हैं ही, समाज सेवी भी हैं, हास्य कलाकार भी हैं। और जिस तरह से लोकसभा में आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्यों की खिंचाई करते हैं या सत्ता पक्ष की खिंचाई करते हैं, तो ये हंस हंस के आप देखिए कि उनकी खिंचाई करते हैं। और गायक भी हैं और एक अभिनेता भी रहे हैं, ठीक है। तो इनकी पदवी इनके आगे कुछ ज्यादा ही लगी हुई है।
देखिए 2014 के पहले आपको बता दूं कि ये पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब में थे 2011 से लेकर 2014 तक, और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी 2014 में ज्वाइन करते हैं और अभी तक आम आदमी पार्टी में ही है। और इनकी अगर हम लोग फिल्मी करियर की बात करें तो 1994 में कचहरी फिल्म से इन्होंने अपनी शुरुआत की हुई थी, और उनके जीवन का ये पहला मौका था जब उन्होंने काम करने का मौका मिला था। उन्होंने 1994 से लेकर 2018 तक 12 फिल्मों में काम किया, और जिनमें उन्हें काफी सफलता में भी मिली, और काफी उनकी लोगों की जो भी कॉमेडी की हो या मूवियां की हो उसमें काफी लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। आपने देखा होगा कि भगवंत मान और कपिल शर्मा ने साथ में काम भी किया हुआ है। जब टीवी पर एक बहुत ही लोकप्रिय शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आता था, उसमें कपिल शर्मा और भगवंत मान दोनों ने साथ में काम किया था, और आप लोग इनके वीडियो भी देखे होंगे, और नहीं देखे तो आप लोग सर्च करिएगा, आपको मिल भी जाएंगी, मूवियां भी मिल जाएंगी और कॉमेडी भी मिल जाएगी। अब बात आती है राजनीतिक सफर की, राजनीतिक करियर की। तो भगवंत मान ने अपना राजनीतिक करियर 2011 से प्रारंभ करते हैं। ये पहली बार 2011 में राजनीति में अपना कदम रखते हैं। 2011 में भगवंत मान ने पीपुल्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और आप देखेंगे कि यही से उनके राजनीतिक जीवन का शुभारंभ होता है। 2012 में भगवंत मान साहब ने पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा लड़ा लेकिन वे इस चुनाव में जीत हासिल ना कर सके और वो चुनाव हार जाते हैं। यानी कि पहली बार जब ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, और आप सभी जानते हैं कि जो विधायक होता है, जो विधानसभा सदस्य होता है, उसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होता है, आप लोग ही उसे चुनते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 2014 में आम लोकसभा चुनाव होते हैं, और जिसमें आपने देखा होगा कि मोदी लहर काफी तगड़े से चल रही थी उस समय। ये चुनाव लड़ते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, 2014 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, और आम आदमी पार्टी की ओर से 2014 में मान साहब ने लोकसभा का चुनाव संगरूर लोकसभा सीट से लड़ा, और जिसमें उन्हें लोगों का अपार प्यार समर्थन भी मिला और इन्होंने जीत हासिल की। यानी कि आप कहिए कि देखिए मोदी की लहर होने के बावजूद आप देखिए नई पार्टी के, समझ रहे हैं आप लोग, नई पार्टी, आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी कोई पुरानी पार्टी नहीं है, तो इससे जीत हासिल करते हैं और पहली बार लोकसभा में 2014 में ये पहुंचते हैं। और आम आदमी पार्टी की ओर से वे पहली बार लोकसभा पहुंचे, उन्हें उनके दल का नेता भी नियुक्त किया गया। हर पार्टी आप देखते हैं कि अपना एक लोकसभा का नेता भी चुनते हैं। 2014 के बाद जब 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुआ तो भगवंत मान एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ओर से संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं। और एक बात आपको बता देता हूं, देखिए आप लोग, आप सभी जानते हैं कि 2019 में, 2014 की तुलना में 2019 में मोदी की लहर काफी तेजी से बढ़ रही थी, और आपने देखा है कि बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े आप कहिए दिग्गज नेता चुनाव हार जाते हैं, लेकिन भगवंत मान अपनी सीट बरकरार रखते हैं, अपनी सीट निकाल ले जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस बार भी उन्हें काफी वोटों से विजय घोषित किया गया, और वो आम आदमी पार्टी पंजाब के सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर कर आए, और पंजाब के प्रधान के रूप में आम आदमी पार्टी को लगातार मजबूत भी कर रहे हैं। और अब आप देखिए कि आने वाले समय में क्या होता है, क्या उन्हें पंजाब का सीएम बनाया जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, हम आपको ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री भी, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, उसे इतनी सीटें मिलती हैं, तो वो जरूर सीएम बना सकती है भगवंत मान को। तो यही कहानी है भगवंत मान की। और इस तरह का कोई अगर व्यक्ति चर्चा में रहता है तो उसके बारे में बात करना स्वाभाविक सी हो जाता है। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे।